हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2023 के कंप्लीट हो जाने के बाद बीसीसीआई की साइड से हमें ट्रेड विंडो की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल चुकी है। पूरा का पूरा ट्रेड विंडो का शेड्यूल आउट हो चुका है। इसके साथ ही कौन कौन से प्लेयर्स और कौन कौन सी टीमों के साथ में हमें ट्रेड विंडो स्टार्ट होते हुए देखने को मिली है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2023 के कंप्लीट हो जाने के बाद बीसीसीआई के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि आईपीएल 2024 के लिए हमें ट्रेड विंडो की अनाउंसमेंट जल्दी ही होते हुए देखने को मिलेगी। और अब हमें ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो का पूरा शेड्यूल आउट कर दिया गया है। इस शेड्यूल के हिसाब से इस बार ट्रेड विंडो हमें 3 अलग अलग स्टेप्स में आयोजित करते हुए नजर आने वाली है। सबसे पहली ट्रेड विंडो जो है वो हमें रिटेन्ड रिलीज प्लेयर से पहले आउट होते हुए नजर आएगी। 11 जून से लेकर 24 सितंबर के बीच में बीसीसीआई के द्वारा पहली ट्रेड विंडो को ओपन किया जाएगा। करीब करीब 2 से 3 महीने का वक्त है, तो 11 जून से 24 सितंबर के बीच में यह चांस इसीलिए दिया जा रहा है ताकि टीमों के रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट आने से पहले ट्रेड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 24 सितंबर को हर एक आईपीएल टीम को अपने रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट को आउट करना पड़ेगा। यानी कि 24 सितंबर के बाद किसी भी टीम के रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की जो रिक्वेस्ट है उनको कंसिडर नहीं किया जाने वाला है। तो ऐसे में 24 सितंबर से पहले पहले ट्रेड विंडो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी ट्रेड विंडो हमें देखने को मिलने वाली है वो 10 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगी। ट्रेड विंडो के सेकंड वाले पार्ट में नीलामी से पहले अगर किसी टीम को ट्रेड करना है तो वो ट्रेड कर सकती है, यानी कि अपने रिटेन प्लेयर्स के बीच में ही हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टाइम तक हमें प्लेयर्स रिलीज होते हुए नजर आ चुके होंगे। तो सेकंड ट्रेड विंडो 10 अक्टूबर से लेकर हमें 30 नवंबर तक चलते हुए नजर आएगी। इसके बाद क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमें दिसंबर के महीने में आईपीएल की नीलामी देखने को मिलने वाली है, तो इसके बाद जो आखिरी ट्रेड विंडो होगी वो हमें तीसरी और आखिरी ट्रेड विंडो 11 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच में कंप्लीट होते हुए नजर आएगी, जो कि आईपीएल से एक हफ्ता पहले है, क्योंकि आईपीएल हमें अप्रैल के पहले वीक में स्टार्ट होते हुए नजर आता है। तो 11 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच में तीसरी ट्रेड विंडो चलेगी। तो एक बार फिर से अगर हम आपको समराइज करें तो पहली ट्रेड विंडो 11 जून से 24 सितंबर, दूसरी ट्रेड विंडो 10 अक्टूबर से 30 नवंबर और तीसरी ट्रेड विंडो 11 दिसंबर से 31 मार्च तक चलेगी। अब अगर बात की जाए कि इस ट्रेड विंडो में हमें कौन कौन सी टीमें इंटरेस्टेड नजर आ रही हैं, तो पहले भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये ट्रेड विंडो लास्ट के 2-3 सालों में हमें सबसे ज्यादा बिजी देखने को मिलने वाली है। हो सकता है इसमें हमें काफी सारे बड़े और शॉकिंग ट्रेड भी होते हुए देखने को मिल जाए। जिन टीमों के नाम देखने को मिले हैं उसमें नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का, इसके साथ ही पंजाब किंग्स की टीम भी ट्रेड में इंटरेस्टेड है, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में भी बातचीत चल रही है, और इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और उनके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीमें भी ट्रेड को करने में इंटरेस्टेड हैं। तो गाइज, ये थी ट्रेड विंडो की स्टार्टिंग और इसके साथ ही ट्रेड विंडो के जितने भी स्टेप्स होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों के ट्रेड विंडो के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।